हर घर तिरंगा अभियान के द्वारा हूँ हमारे कल्चरल ग्रुप आर्ट एंड कल्चर इस शुभ उद्घाटन हर घर तिरंगा अभियान में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के चौनर्स सेक्रेटरी और सारे कर्मचारियों को इस 2021 को पिछले वर्ष में हुआ है इस एजुकेटिव बॉडी को एक न्यू विजन के तौर पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। इस अभियान के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में ट्वीट के जरिए हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत इस आग्रह को जनता तक पहुंचाया। अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। ये पल भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही खास है। इवेंट हर घर तिरंगा कैंपेन जिन्होंने आज इस सिविल सेक्रेटरिएट में लॉन्च कर रहा है परचेज ऑफ लाइट। सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश सेक्रेटरिएट एम्प्लॉयज एसोसिएशन आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेगा। जो दिशा ऑनरेबल पीएम साहब ने दिया है इस देश को, क्योंकि इस बार हम लोग 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में हमारे साथ उपस्थित हमारे मिनिस्टर कलीग्स लर्नेड चीफ सेक्रेटरी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स और अपना अरुणाचल प्रदेश सिविल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ के प्रेसिडेंट श्री तागे गरियो जी और आप सभी मेंबर्स, कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में करीबन 4 लाख हाउस होल्ड है और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है हम लोग ने आरडी डिपार्टमेंट को सौंपा है। तो हर घर तिरंगा में बहुत बार मीटिंग नेशनल लेवल में भी हो चुका है और स्टेट लेवल में भी हो चुका है। रिसेंटली अपना ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जितने भी राज्य का मुख्यमंत्री है और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स उनके साथ में मीटिंग हुआ था और उसमें किस प्रकार से हम लोग हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम है उसको सक्सेस बनाना है, तो उसमें अभी कुल मिला के ये चर्चा हुआ कि आपने राज्य का अगर आप लोगों का बीच में एक दो शब्द बोलूं तो 4 लाख हाउस होल्ड है और इस 4 लाख हाउस होल्ड का जो फ्लैग रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी गवर्नमेंट की ओर से हम लोग ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर चुका है और जिसमें से कुछ फ्लैग यहाँ पे आप पहुँचा भी है। अरुणाचल प्रदेश काफ़ी एक स्प्रेडेड एक राज्य है, इसलिए 2 मुख्य डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर होगा, ईस्टर्न साइड के लिए नामसाई और वेस्टर्न के लिए अपना यहाँ ईटानगर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्दर यहाँ से फ्लैग पूरा डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर्स के पास में जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर का अंदर भी एक कमिटी गठन किया गया है और वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना ऑनरेबल MLAs और जितने भी जो पंचायत लीडर्स हैं उन सब का माध्यम से और इंक्लूडिंग आवर सर्कल ऑफिसर्स सभी गाँव में फ्लैग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इसमें केवल एक ही अनुरोध है कि
अरुणाचल प्रदेश हम सब लोग जानते हैं कि बहुत ही एक पेट्रोटिक एक राज्य है। अरुणाचल का दूसरा पहचान, सभी लोग जो बाहर से आते हैं अरुणाचल में जो आते हैं, जो उनको जो रिसीव करते हैं हम लोग, जय हिंद का नारा से हम लोग उसको हम लोग स्वागत करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के लीडरशिप में हम सबको मिला कि अपना पेट्रोटिज्म को और भी हम लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए 13 टू 15 अगस्त के बीच में हम लोग अपना घर में तिरंगा लहराते हुए उसका हम लोग और भी हम लोग एक अच्छा एक मैसेज देने के लिए हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है। और उस अपॉर्चुनिटी में जैसे आज सिविल सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने यहाँ पे जो शुरुआत किया है कि झंडा को हम लोग अपना पैसा देके खरीदना चाहिए, वी शुड ओन दैट फ्लैग। ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कीम की तरह मैं सबको फ्री में बांट दो, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वी शुड ओन आवर कंट्री, वी शुड ओन आवर नेशनल फ्लैग। तो इसलिए शुरुआत यहाँ से आज हो रहा है। मैं अरुणाचल प्रदेश सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ के प्रेसिडेंट ताकी गुरु जी और जितने भी जो ऑफिस बियरस हैं इंक्लूडिंग आप जितने भी मेंबर्स, आप सबको बहुत बहुत दोबारा फिर मैं बधाई देता हूँ। और हम सबका बीच में आज जो सिनोप्सिस जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी मैडम पेमा सोरंग जी ने यहाँ पे बताया इसका आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा कैंपेन के बारे में, इसमें और दो चीज़ हम लोग ऐड करने वाला है। ऑलरेडी डेप्टी कमिश्नर्स को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कन्वे किया है कि हम लोग जितने भी स्टेट में जो अपना प्रोमिनेंट लोकेशंस है वहाँ का भी स्वच्छता सफाई हम लोग अभियान भी हम लोग 15 तारीख में हम लोग शुरुआत हम लोग करेंगे। और जितने भी अपना अपने समाज से जो एमिनेंट पर्सनालिटीज है उनको भी इस प्रोग्राम के साथ में हम लोग जुड़ेंगे। तो ये भी इस प्रोग्राम के साथ भी हम लोग यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे कर रहा है। और सभी को पता है कि जो फ्लैग होस्टिंग का जो समय दिया है 13, 14, 15 अगस्त तक हम लोग झंडा अपने अपने घर में लहराएंगे। और अरुणाचल में हम लोग ने तय किया है कि 13 से ही हम लोग अपना झंडा सभी घरों में हम लोग फहराएंगे। मेरा आज आप सभी से ये निवेदन होगा 13 को जब अपना घर में फ्लैग होस्ट करेगा, इट शुड बी विथ प्रॉपर डिग्निटी। जो फ्लैग का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको मेंटेन करते हुए आप लोग अच्छा से उसको आप लोग फहराना है। 13 से ही अपना घर में परमानेंट हम लोग उसको फैला के रखेंगे। तो अच्छा प्रोमिनेंट जगह देख के, अच्छा फ्लैग पोस्ट अच्छा देख के आप लोगों को लगाना है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, जय हिंद, जय अरुणाचल। और इसको 20 रुपीस में क्यों बेच रहे हैं? ये हर घर तिरंगा क्योंकि इस बार बहुत ही स्पेशल है, एज द कंट्री इज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो जितने भी जो इस देश में जो घर है वो सभी में तिरंगा फैलाएंगे। ये एक लीडरशिप अपना नरेंद्र मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया है। और हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में कुल मिला के 4 लाख हाउस होल्ड है और इसका झंडा ऑलरेडी हम लोग ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ऑर्डर करके अभी स्टेट में आ पहुंचा है, जिसका आज यहाँ पे सॉफ्ट लॉन्च अरुणाचल प्रदेश सिविल सेक्रेटरीट के एसोसिएशन स्टाफ लोगों के माध्यम से आज यहाँ पे शुरुआत हुआ है। तो झंडा जो लहराने का है राज्य में हम लोग 13 अगस्त से लेकर अगस्त 15 तक में हम लोग झंडा फहराएंगे अपने अपने घरों में फॉलोइंग द प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। तो ये झंडा जो है एक पीस का आई थिंक 25 रुपीज़ करके यहाँ पे सेल हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट